कानूनी बहुत लड़ाई लड़ी है और हर तरह से हम साथ निभाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे और जब भी हमें कोई भी जरूरत हो आप मुझे याद कर सकते हैं। आप एकदम रोइए मत और हम लोग हमारा नंबर रखिए, हमारे टच में रहिए, परेशान ना हमेशा साथ हर तरह से। अभी आगे जिनकी कानूनी लड़ाई है यही करना है बस निकल। हमने तो बीड़ा उठा लिया है, निकले प्रदेश निकल, जहाँ भी हमारे लोग हमको याद करेंगे तो भी हम नहीं याद करेंगे तो भी, अगर वो कष्ट में है तो मुझे कष्ट की जरूरत है। ये हमारी तरफ से इसलिए है, कम से कम अभी कानूनी बहुत लड़ाई लड़नी है, कानूनी बहुत लड़ाई लड़नी है और हमारा नंबर रखिए, हमारे टच में रहिए, है ना, किसी परेशान ना, हमेशा साथ हर तरह से। देखिए आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो हमसे पहले ही ये बात कह रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए जो कह के जी आए थे, सच में प्रदेश में पूरा जंगल राज हो गया। आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या हो रहा है प्रदेश में। हमारा स्पष्ट कहना है इस तरह की घटनाओं की हम बहुत निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, ये जो हमारा छोटा भाई कबीर तिवारी था बहुत होनहार था, उससे बहुत उम्मीदें थी यहाँ के समाज को, यहाँ के क्षेत्र को, हमारे बीच नहीं रहा, पूरा परिवार बहुत दुखी, पूरा समाज पूरा दुखी है। हम लोग केवल इतना ही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रदेश सरकार इस परिवार को न्याय दे और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे जैसे तमाम भाई आज जो है इस परिवार के साथ हैं। और हमने आपको मैंने बताया कि हमारी एक, हम तो राजनीतिक दल को, हम समाजवादी पार्टी में राजनीति करते हैं, हम विधायक रहे, हमारे बड़े भाई भी विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, लेकिन राजनीतिक दल में तो होते हुए भी हमने एक चिरंजीवी परशुराम चेतना संस्थान बनाया है और उसमें हमने तय किया है कि हमारे समाज का कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर कहीं दुखी है, पीड़ित है, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसकी हर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आर्थिक मदद करनी हो, चाहे कानूनी लड़ाई करनी हो, हम सब में सहयोग करेंगे। और आज कबीर तिवारी के परिवार को हम संवेदना देने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं अपने छोटे भाई को कि हम लोग जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा बहुत मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। वो पूरा परिवार जब भी हमें याद करेगा, हम भले सुल्तानपुर के रहने वाले हैं लेकिन आपके बीच में कह के जा रहे हैं, ये परिवार मुझे जब भी याद करेगा मैं तन मन धन से हमेशा परिवार के साथ रहूं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।